subscribe and press the bell icon to get our latest videos. हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको 10 मिनट के अंदर दोस्तों मैं कराऊंगा ग्रेविटेशन जैसा बड़ा चैप्टर 10 मिनट में किस तरीके से रिवाइज करना है। तो ये मेरा तरीका है दोस्तों रिवाइज करने का। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है दोस्तों तो इस तरीके को फॉलो करो। आपको करना क्या है दोस्तों, इस तरीके के अंदर आपको चैप्टर के अंदर जो भी कोर मेन पॉइंट है उसको इस तरीके से कुछ लिख लेना है। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखा है ग्रेविटेशन, उसके बाद फोर्स ऑफ मोशन इसका पहला टॉपिक, फिर सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपेटल फोर्स, फिर केप्लर का लॉ, फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिर स्मॉल जी के बारे में मैंने बताया, फिर वेरिएशन इन जी, फिर मास और वेट, फिर उसके बाद फ्री फॉल, फिर उसके बाद यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसके वेलोसिटी। ये मैंने 10 पॉइंट इस चैप्टर के अंदर से निकाल लिया है। अब इसी 10 पॉइंट के बारे में दोस्तों मैं 10 मिनट के अंदर डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चैप्टर के इस हेडिंग के ऊपर आता हूँ। चैप्टर का जो टॉपिक है मेरे को ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन एक्चुअल में होता क्या है? ग्रेविटेशन ये होता है दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ जो एक ग्रेविटी, एक कशिश, एक फोर्स के जरिए अपनी तरफ खींचता है उसको ही दोस्तों हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आता है फोर्स और मोशन आता है। तो फोर्स एक्चुअल में क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, ये फोर्स का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। फोर्स इज इक्वल टू मा होता है, एम ए होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे पुश और पुल। यहाँ पे मैंने लिखा है फोर्स एक्चुअल में होता है क्या? पुश करना किसी ऑब्जेक्ट को या पुल करना, उसको ही फोर्स बोलते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आता है मोशन। मोशन के अंदर क्या आती है? तीन टॉपिक आते हैं। न्यूटन ने तीन लॉ, मोशन के तीन लॉ डिराइव किए थे। पहला उसका लॉ था मूव और रेस्ट, उसको मैंने शॉर्ट में लिख के रखा। मूव और रेस्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मूव होते रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, या कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा उसका वही फॉर्मूला एम इनटू ए। फिर तीसरा उसका एक्शन और रिएक्शन, मतलब जितना आप कोई भी बॉडी के ऊपर एक्शन लगाओगे, जितना ही फोर्स उसके ऊपर लगाओगे उतना ही फोर्स आपको मिलेगा। मतलब एक दीवार को अगर आप बहुत तेज से मारोगे तो वो दीवार भी उतने ही रिएक्शन फोर्स देगी, तो आपको उतनी ही तेजी से लगेगी चोट। तो ये हो गया उसके बारे में। फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है भाई? एक गाड़ी, एक ऑब्जेक्ट अगर गोल 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 घूम रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स, एक मोशन, वो मोशन जो गोल गोल घूमता है उसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आता है सेंट्रीपेटल फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट गोल 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 घूमता है तो उसके ऊपर क्या लगता है दोस्तों? उसके ऊपर एक सेंट्रीपेटल फोर्स या तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोस्तों सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींचता है उसको ही दोस्तों हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आपको उतना दिया नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? एक फोर्स जो ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ फेंकता है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है केप्लर का थर्ड लॉ। इसी के अंदर केप्लर का थर्ड लॉ होता है। केप्लर ने तीन लॉ डिराइव किए थे। पहला लॉ था उसका ऑर्बिटल लॉ। पहले लॉ के अंदर केप्लर साहब ने क्या बताया? केप्लर साहब ने हमको बताया भाई कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड एक इलेप्टिकल पाथ में गोल गोल घूमता है और सन का हमेशा एक फोकस उस प्लैनेट के ऊपर होता है। ये हमारा ऑर्बिटल लॉ हो गया। सेकेंड आता है दोस्तों इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब कोई भी प्लेनेट इक्वल एरिया स्वाइप करेगा इक्वल टाइम के अंदर। मतलब अगर दो मिनट में एक प्लेनेट 10 स्क्वायर मीटर का एरिया स्वाइप कर रहा है तो अगले 2 मिनट में फिर से वो 10 स्क्वायर मीटर का ही एरिया स्वाइप करेगा। ये हो गया। फिर थर्ड आता है हमारे पास पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उनके जो बीच का रेडियस है या उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होता है दोस्तों? टाइम पीरियड के बारे में बहुत आसान है, टाइम पीरियड को याद रखना। टाइम पीरियड होता है कोई भी चीज जहां से स्टार्ट हुई है वहीं पे आने के लिए। मतलब एक चीज जहां से उसने स्टार्ट किया है वही पोजीशन पे फिर से आने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ये हो गया केप्लर के तीन लॉ। फिर उसके बाद हमारा आता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बारे में दो डायग्राम आपके मैं ये स्क्रीन पे जो डायग्राम है इसी डायग्राम के अंदर दोस्तों आपको डी की वैल्यू अलग अलग देगी। मतलब कहीं पे आपको बोलेगा डी की वैल्यू डबल हो गई है तो क्या होगा? सेम यही फॉर्मूला होगा और आपको एफ के बारे में पूछेगा। तो इसके अंदर एफ क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे डी की वैल्यू बोलेगा डबल हो गई है तो डबल हो गई तो डी की जगह पे 2d रखना है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और d का स्क्वायर हो जाएगा d स्क्वायर। तो यही पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 4d स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपको अगर बोलेगा d की वैल्यू ट्रिपल हो गई, 3 टाइम्स हो गई तो d की वैल्यू 3 टाइम हो जाएगी। मतलब d की जगह आपको क्या रखना है? 3d रखना है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और d का स्क्वायर हो जाएगा d स्क्वायर। तो यहां पे फॉर्मूला आएगा gm1m2/9d स्क्वायर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर जी के बारे में हमारे को जी की ये वैल्यू याद रखना है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी।
जी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों स्मॉल जी, मतलब ग्रेविटी के बारे में हमको पूछा जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो चीज होती है, एक एक्सीलरेशन जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ हमारी नीचे की तरफ खींचती है, उसको ही दोस्तों हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे उसके लिए फॉर्मूला, दोस्तों इस फॉर्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे जी के लिए मेरे पास फॉर्मूला था जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे स्मॉल जी मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 10^-11, कैपिटल जी मतलब जो प्लेनेट पे हम है उस प्लेनेट का मास आ जाएगा, आर का मतलब रेडियस हो जाएगा, जो भी प्लेनेट पे आप है उसका रेडियस हो जाएगा। तो ये उसके फॉर्मूला। फिर आपको इसके अंदर अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा, मास 2 टाइम हो गया है तो जी के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, मास 3 टाइम हो गया है तो जी के ऊपर क्या इंपैक्ट आ गया। तो इसके ऊपर मैं वीडियो दोस्तों बना चुका हूं, इसके जो प्रॉब्लम है मैं करा चुका हूं, आगे और कुछ वैसे प्रॉब्लम टफ होंगे तो मैं दोस्तों कराऊंगा। तो यहाँ पे आर के ऊपर आ जाएगा कि आर 2 टाइम 3 टाइम हो गया तो जी के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है। आपको एक नॉर्मल जी ए के लिए जो नॉर्मल प्लैनेट है उसके लिए एक इक्वेशन बनानी है। फिर 2 टाइम हो गया, किसका 2 टाइम, इसके वाले रेडियस का 2 टाइम हो गया, उसके लिए एक इक्वेशन बनानी है। दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना है, आपका आंसर आपकी आंखों के सामने होगा। फिर जी की बात होती है, जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू दोस्तों दो वैल्यू होती है, एक 9.77 और 9.81। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्यों दो वैल्यू होती है। जी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों वेरिएशन इन जी। तो वेरिएशन इन जी, जी के 3 वेरिएशन के बारे में हमारी बुक में दिया है। पहला वेरिएशन के बारे में बोला सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू क्या होगी, तो सरफेस के ऊपर दोस्तों जी की दो वैल्यू होगी, जैसे कि यहां पे दो वैल्यू दी है 9.77 9.81। अब यहाँ पे दो वैल्यू क्यों होगी दोस्तों, मैं थोड़ा सा डायग्राम के जरिए आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर हमारे अर्थ की बात करें तो हमारी अर्थ क्या है, इलिप्टिकल शेप के अंदर है, मतलब अंडे की शक्ल की हमारी अर्थ होती है। तो यहाँ पे अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो यहाँ से एक रेडियस होगा, यहाँ से एक रेडियस होगा, ये रेडियस बड़ा होगा, ये रेडियस छोटा होगा। अब दोस्तों ये रेडियस छोटा है, ये रेडियस बड़ा है, तो उसके बाद यहाँ पे अगर जी का मैं फॉर्मूला देखूँ, जी के फॉर्मूले में दोस्तों रेडियस क्या है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, मतलब कोई भी वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में इसके आती है, मतलब अगर ये बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो जी क्या होगा, कम होगा। रेडियस बढ़ने पे जी क्या होगा, कम होगा, और रेडियस छोटी होने पे जी क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊं तो रेडियस क्या है, ये रेडियस बड़ा है, ये रेडियस बड़ा है, मतलब जी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे चेंज होगी, दूसरी होगी। यहाँ पे अगर रेडियस बड़ा है तो जी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे छोटी आएगी, और यहाँ पे रेडियस छोटा है तो जी की वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। मतलब दो वैल्यू आपके पास दी है, तो एक वैल्यू यहाँ पे छोटी वाली वैल्यू मतलब 9.77 और यहाँ पे एक वैल्यू 9.81। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग पोल की बात करते हैं, मैं पोल की बात करूँ तो पोल पे इसका ग्रेविटी कितना हो जाएगा 9.77, और मैं इक्वेटर की बात करूँ तो इक्वेटर पे ग्रेविटी कितना हो जाएगा 9.81। तो ये आपका गिव रीजन का भी क्वेश्चन हो सकता है, भाई इक्वेटर और पोल पे ग्रेविटी अलग अलग क्यों होता है, क्या वजह है अलग अलग होने की, तो उसकी एक ही वजह है भाई, रेडियस क्या है, छोटा बड़ा है, इसके लिए ग्रेविटी क्या होता है, अलग अलग होता है। आपको इस फॉर्मूले के जरिए एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट उसके बाद आता है दोस्तों हाइट। तो हाइट के बारे में हमको पूछा है भाई, ग्रेविटी हाइट की वजह से भी चेंज होता है, जैसे जैसे हम लोग अर्थ के ऊपर जाते हैं ग्रेविटी क्या होता है, कम होते जाता है। क्यों कम होते जाता है? क्योंकि भाई रेडियस क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। रेडियस इन द सेंस रेडियस नहीं बड़ा होगा, रेडियस के साथ साथ एक डिस्टेंस लगा, मतलब यहाँ पे आप हैं तो रेडियस तो ये है ही है, उसके साथ एक एच लग जाएगा, हाइट आ जाएगा, मतलब आर प्लस एच आ जाएगा। मतलब नीचे वाली वैल्यू अगर बड़ी होगी तो जी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हाइट पे आप जाते हैं तो ग्रेविटी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो आपको इसके अंदर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, भाई एक आदमी पहले माले की बिल्डिंग पे, या एक आदमी अर्थ की एक हाइट पे, या एक आदमी एक सीढ़ी के ऊपर खड़ा है और एक आदमी जमीन पे है, तो उस दोनों में रेडियस मतलब ग्रेविटी किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? जो भाई हाइट पे है उसका ग्रेविटी कम होगा, जो जमीन के सर्फेस पे है उसका ग्रेविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कुछ इस तरीके का दोस्तों आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। फिर अगला आता है दोस्तों इसी के अंदर डेप्थ आता है। तो डेप्थ के बाद हमारे को डेप्थ में अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पे भी ग्रेविटी क्या होता है दोस्तों, वहां पे भी ग्रेविटी कम होगा, ग्रेविटी वहां पे कम होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है एग्जामिनर को पूछना चाहिए, क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए भाई? आप लोग बोलते हो भाई हाइट पे आप जाते हो तो रेडियस बड़ा होता है, मतलब वो डिस्टेंस बड़ा होता जाता है, यहां पे रेडियस क्या हो रहा है, बड़ा होते जाएगा, ये डिस्टेंस नीचे की वैल्यू बड़ी होगी तो जी क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन जब हम लोग अर्थ के अंदर जा रहे तब तो रेडियस छोटा हो रहा है ना भाई, तब रेडियस छोटा हो रहा है तो फिर ग्रेविटी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ना। क्योंकि जब आप बोल रहे हो भाई यहाँ पे ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो रेडियस जब छोटा हो रहा है, रेडियस छोटा हो रहा है तो ग्रेविटी बढ़ना चाहिए। तो जब हम लोग अर्थ के डेप्थ में जा रहे हैं तो फिर वहां पे भी रेडियस ग्रेविटी क्यों कम हो रहा है, क्या वजह है ग्रेविटी कम होने की? तो आपको एक डायग्राम बना के एग्जामिनर को दिखाना, भाई ये देखो ये अर्थ है, जब हम लोग रेडियस अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे रेडियस के साथ साथ अर्थ का मास भी दोस्तों इतना मास भी निकल जाता है। मतलब जब हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं
थोड़ा सा रेडियस कम होता है, मास बहुत ज्यादा चेंज होता है, मतलब रेडियस थोड़ा कम होगा, मास बहुत ज्यादा चेंज होगा। इसके लिए यहाँ पे ग्रेविटी मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सामने सामने वैल्यू है, तो मास अगर कम होगा तो ग्रेविटी कम होगी। तो इसके लिए जब हम लोग अर्थ की डेप्थ के अंदर जाते हैं तो मास कम होने की वजह से ग्रेविटी कम होता है, वहां पे रेडियस को हम लोग मान ही नहीं रखते क्योंकि रेडियस बहुत थोड़ा सा कम होता है और मास चारों साइड से निकल जाएगा। इसके लिए दोस्तों हम लोग डेप्थ में जाते हैं तो यहाँ पे ग्रेविटी चेंज होता है, कम होता है, ये रीजन आपको बताना है। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मास और वेट, तो मास और वेट दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 7th-8th से टॉपिक आते जा रहा है। तो मास क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मैटर प्रेजेंट होता है उसको मास बोलते हैं। वेट क्या होता है, कोई भी प्लेनेट या हमारी अर्थ की बात करें वो कितने कितने फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही, उसको हम लोग वेट बोलते हैं। मास का यूनिट होता है केजी, वेट का यूनिट होता है न्यूटन, मास हमारा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब खाली वो मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा, डायरेक्शन का कुछ अता पता नहीं बताएगा। लेकिन वेट की अगर हम लोग बात करें तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब कौन सी क्वांटिटी होती है दोस्तों, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में बताया, कहां पे ऑब्जेक्ट जा रहा हो, कितना उसका मास है, वो दोनों वैल्यू बताएगा, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों वेट, उसको वेक्टर क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर और यहाँ पे अगला टॉपिक जो मेरा आता है फ्री फॉल आता है, तो फ्री फॉल के अंदर दोस्तों ये तीन फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है, वी इज इक्वल टू जी टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, s इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन 110% दोस्तों आने वाला है आपको। इसके अंदर देखो हर वैल्यू के अंदर तीन तीन वैल्यू, मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तीन वैल्यू है, तीन में से दो वैल्यू आपको कोई भी दी जाएगी और एक वैल्यू आपको पूछेगा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल आने वाला है। तो मैं अगली वीडियो जो मेरी बनाऊंगा कोशिश करूंगा इसके जो भी टफ टफ न्यूमेरिकल, हार्ड न्यूमेरिकल कुछ वैसे है, उस न्यूमेरिकल को मैं कराने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट मेरा आता है दोस्तों यहाँ पे फ्री फॉल के बारे में। एक्चुअल में फ्री फॉल के बारे में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फ्री फॉल एक्चुअल में होता क्या है। फ्री फॉल, अगर फ्री फॉल की मैं बात करूं तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर है उसके ऊपर मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ उसको एक ऊपर रुका हुआ था उसको सिर्फ छोड़ दिया मैंने, इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ छोड़ दिया, इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ छोड़ दिया है और वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आ रहा है, उसको ही दोस्तों हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों मेरे पास आता है पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो ऑब्जेक्ट को हाइट के ऊपर अटेंड, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई भी चीज अगर हाइट के ऊपर है रुकी हुई है वहां पे उसके अंदर उस बॉडी के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो अर्थ के सरफेस पे अगर एक बॉडी है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, माइनस GMM/R। पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों ऐसा क्यों आता है माइनस GMM/R, तो ये मैं शायद पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं, फिर से मैं आपको रिकैप करा देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो हम लोग ने पढ़ा है MgH, ये फार्मूला पढ़ा है, लेकिन यहां पे जब हम लोग अर्थ की सरफेस पे बात करते हैं तो अर्थ की सरफेस पे ये डिस्टेंस कितना, ये हाइट क्या हो जाती है, R रहती है। तो यहाँ पे H की जगह दोस्तों मैं क्या रखूंगा, MgR रखूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो M यहाँ पे G के लिए मेरे पास फॉर्मूला इसके यहाँ पे फॉर्मूला पता है GM/R², तो यही फॉर्मूला सिर्फ मैं यहाँ पे रखूंगा GM/R², फिर यहाँ पे R है, ये R कैंसल हो जाएगा, तो मेरे पास स्मॉल m कैपिटल जी फिर कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर, ये कुछ इस तरीके से यही फॉर्मूला आ गया। तो माइनस साइन क्यों आती है दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट वहां पे अटेंड करने की वहां रुका हुआ है और ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन वो ऊपर रुका हुआ है, एक फोर्स लगा हुआ है, एक फोर्स की वजह से वो ग्रेविटी को अपोज कर रहा है और ऊपर वहीं पे रुका हुआ है, इसके लिए उसके रुकने की वजह से उसके लिए वो ऊपर की तरफ जा रहा, मतलब ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके लिए वहां पे क्या लग रहा है, माइनस साइन लग रही है। नेक्स्ट दोस्तों आता है हमारा एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी ये एक ऐसी वेलोसिटी होती है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डिफाइन पूछ सकता है, इसके ऊपर प्रॉब्लम पूछ सकता है। एस्केप वेलोसिटी होती है, कोई भी एक प्लेनेट है अगर उस प्लेनेट या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको आपको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर लेके जाना है तो एक कम से कम एक वेलोसिटी लगी, उसी वेलोसिटी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर ले जाने के लिए कम से कम एक वेलोसिटी लगती है, उसी वेलोसिटी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी का मेरे पास फॉर्मूला है √2gm/r, ये वैल्यू पूरी एस्केप वेलोसिटी है, फिर इसी फॉर्मूले के ऊपर दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये चैप्टर को आपको रिवाइज करना है।